क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3067। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है काउंट पेयर्स ऑफ कनेक्टेबल सर्वर इन अ वेटर ट्री नेटवर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है यू आर गिवन अ अनरोटेड ट्री वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो मैं इतनी लाइन को सीधे एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक एजेस गिवन है, एजेस एरे गिवन है जो वैक्टर ऑफ वैक्टर्स है। तो इसमें ये चीज़ क्या डिनोट कर रही है, इसका मतलब कि 0 से 1 एक एज है जिसका वेट है 1। तो देखो, अगर 0 से 1 एक एज है जिसका वेट है 1, और ये बाई डायरेक्शनल है। अगर जैसे 3, 4, 9 है, तो इसका मतलब 3 से 4 एक एज है, 3 से 4 एक एज है और उसका वेट है 9। ठीक है, और सिग्नल स्पीड गिवन है तुम्हें 1, सिग्नल स्पीड एक 1 गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टू सर्वर्स ए और बी को कनेक्टेबल तब बोलेंगे थ्रू अ सर्वर सी इफ़ ये कंडीशन लिखी हुई है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ सीधे यहाँ से इमेज कॉपी करके। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टू सर्वर्स आर कनेक्टेबल थ्रू अ सर्वर सी। ठीक है, टू सर्वर ए एंड बी आर कनेक्टेबल थ्रू अ सर्वर सी इफ़ ए लेस देन बी हो, ए नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू सी। चलो ठीक है, मैं इसको सीधे यहाँ समझाता हूँ। जैसे अगर ये मान लो एक सर्वर है 1, ठीक है, ये एक हमारा सर्वर है 3। ठीक है, तो 1 और 3 को हम किसी सर्वर सी से कनेक्टेबल तब बोलेंगे जब 1 से लेके C तक की डिस्टेंस हमारी सिग्नल स्पीड से क्या हो, डिवाइड हो जाए। 3 से लेके C तक की डिस्टेंस हमारी सिग्नल स्पीड से क्या हो, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। मीन्स ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और ना 1 तुम्हारा C के इक्वल हो और ना 3 तुम्हारा C के इक्वल हो। ठीक है, और तो हमने 3 कंडीशन तो वेरीफाई हो रही हैं। ठीक है, अभी चलो, अच्छा वेरीफाई हो रही कि नहीं वो बात की बात है, पहले कंडीशंस क्या है। 1 से C मॉडुलस एस इक्वल टू 0 होना चाहिए, 3 से C एस से डिविजिबल होना चाहिए, एस मतलब सिग्नल स्पीड, 1 C के इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 C के इक्वल होना नहीं चाहिए, और पाथ फ्रॉम 1 से द पाथ फ्रॉम सी टू बी एंड पाथ फ्रॉम सी टू ए डू नॉट शेयर एनी एज। इसका मतलब कि 1 से 3 जाने की 1 से 3 कोई एज शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे लेट्स इस वाले को मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये वाली देखो। जैसे अगर 1 है, ये 3 है, ठीक है, तो 1 से 3 हम बोलेंगे कि ये 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वर अगर ए है, इस सर्वर को अगर हम बी माने, ठीक है, तो और इसको अगर हम सी मानते हैं, तो हम बोलेंगे 1 से 1 और 3 सर्वर 2 से कनेक्टेड हैं अगर 1 से 2 का जो पाथ है, पाथ का जो सम है, वो मॉडुलस एस के इक्वल 0 होना चाहिए। एस की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 1 है, तो 1 से 2 का सम कितना है, 5, तो 5 मॉडुलस 1 0 है, कंडीशन 2 है, हाँ ठीक है। दूसरा 3 से 2 मॉडुलस 5 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 3 से 2 का सम कितना है, 13, 13 मॉडुलस 1 क्या है, 0 है, हाँ, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, और ना 1 तुम्हारा 2 के इक्वल होना चाहिए, ना 3 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद बोला है पाथ फ्रॉम सी टू बी एंड पाथ फ्रॉम सी टू ए, मीन्स 1 से 2 तक के जो पाथ हैं और 2 से 3 तक के जो पाथ हैं, वो उसमें कोई भी ऐसी एज नहीं हो जो कॉमन हो। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं लेता कुछ 3 और 5 और मैं चेक करता क्या है वो 2 के थ्रू कनेक्टेबल है कि नहीं, तो मैं क्या देखता, मैं देखता भाई 2 से 3 की डिस्टेंस क्या है, 13 है, 13 मॉडुलस 1 क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, मैं फिर देखता 5 से 2 की डिस्टेंस क्या है, 5 से 2 की डिस्टेंस 2 और प्लस 9 और प्लस 13 मीन्स 13 प्लस 2 15, 5 20 24 है। ठीक है, 24 भी मॉडुलस 1 के इक्वल टू 0 है। ठीक है, ना 3 तुम्हारा 2 के इक्वल है, ना 5 तुम्हारा 2 के इक्वल है। ठीक है, तो मीन्स ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या बचती है, पाथ फ्रॉम सी टू बी एंड सी टू ए डू नॉट शेयर एनी एजेस। तो 3 से 2 का पाथ क्या है, 3 से 2 का पाथ है 3 से लेके 2, मीन्स ये पाथ है ना, 3 से लेके 2 का पाथ ये है, और 5 से 2 का पाथ
क्या है, ये और ये वाला, तो इसमें एज एक शेयर हो रही है ना, 3 से 2 की एक एज शेयर हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मीन्स 5, 3 और 5, 2 के थ्रू कनेक्टेबल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था ये समझ में आ गया। अब मैं इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन है इसका आंसर वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, अगर मैं बोलूँ ज़ीरो, ज़ीरो के थ्रू कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड हैं? ज़ीरो के थ्रू कोई नोड्स कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर तुम ज़ीरो के थ्रू कोई भी नोड देखोगे, सपोज़ तुम 1 और 3 देख रहे हो, तो 1, 3 में एक दिक्कत क्या आ जाएगी, ये वाली एज कॉमन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 से 0 यही एज है, और 3 से 0 एक ये एज है, एक ये और एक ये, तो ये कॉमन हो रही है, कॉमन एज नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, तो 0 के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 0। 1 के लिए क्या आंसर होगा, 1 के लिए आंसर क्या हो सकता है, 0, 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0 से 2 कोई एज शेयर नहीं कर रही है। 0 से 2 अगर 1 के थ्रू कनेक्टेबल है, तो 0 से 1 का सम कितना है, 1, और 1 से 2 का सम कितना है, 5। दोनों मॉडुलस एस इक्वल्स टू क्या है, 0 है, दोनों मॉडुलस एस इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से 2 एक आंसर है। ठीक है, 0 से 3 भी एक आंसर है, 0 से 4 भी एक आंसर है, और 0 से 5 भी एक आंसर है, तो टोटल कितने आंसर हो गए, 4 आंसर हो गए। ठीक है, तो 1 के लिए कितने आंसर हो गए, 4, क्योंकि हमें सिग्नल की स्पीड 1 गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 2 के लिए कितने आंसर्स हैं, 2 के लिए 1 से 3 भी है, 1 से 4 भी है, और 1 से 5 भी है, तो 3 आंसर तो ये हो गए, 0 से 3 भी है, 0 से 4 भी है, और 0 से 5 भी है, तो 3 आंसर और हो गए, तो 6 इसके लिए हो गए, और सॉरी 6, 2 के लिए हो गए। ठीक है, 6, 2 के लिए हो गए। 3 के लिए कितने आंसर हैं, 2 से 4, 2 से 5, 2, 1 से 4, 1 से 5, 2, 0 से 4 और 0 से 5, 2, इसके लिए भी 6 हैं। इसके लिए कितने आंसर होंगे, 3 से 5, 2 से 5, 2, 1 से 5 और 0 से 5, 4, और इसके लिए हो गया 0। ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, सबका काउंट रिटर्न कर देना है, 0, 4, 6, 6, 4, 0। ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है कि 0 के थ्रू कितने कनेक्टेबल सर्वर्स हैं, 1 के थ्रू कितने कनेक्टेबल सर्वर्स हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे ही सेम चीज़ रिटर्न कर देनी है। तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन को समझा, देखो इस क्वेश्चन को सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन में एन की वैल्यू तुम्हें गिवन है 1000 मैक्सिमम, तो मीन्स हम एन स्क्वायर का अप्रोच लगा सकते हैं। जिसने अगर एन की वैल्यू नहीं देखी होगी, टेस्ट केसेस नहीं देखे होंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, मे बी कोई ऐसा अप्रोच हो कि एन की वैल्यू 10 की पावर 5 हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मुझे नहीं पता, मे बी हो सकता है। ठीक है, तो सोचो एन की वैल्यू 1000 गिवन है, तो एन स्क्वायर का अप्रोच लगा सकते हो। तुम पहले देखो एन क्यूब लग सकती है कि नहीं, फिर तुम देखना एन स्क्वायर, फिर देखना एन। तो लेट सपोज मैं नीचे वाला एग्जाम्पल कॉपी करता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा, हमारी नोट है कुछ ये, 0 से 1, 1 से 2, 0 से 4, 4 से 5, 0 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। ठीक है, नंबर्स इंक्रीजिंग ही होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कंस्ट्रेन है, लेट्स से 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सबको कुछ एज दे दी, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 1, लेट्स सपोज। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी भूल जाओ, क्वेश्चन तुमसे बहुत कुछ पूछ रहा है, लेकिन मैं तुमसे बस इतना पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछूँ, 0 के लिए कितने काउंट आएंगे, क्या तुम वो मुझे बता सकते हो कि नहीं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट, बस इतना बताओ कि 0 के लिए कितने काउंट आएंगे, वो तुम मुझे बता सकते हो कि नहीं? तो चलो, अच्छा तुमने कहा, अच्छा चलो तुमने ये पूछा है 0 के लिए ना, तो 0 के लिए तो मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 0 के टोटल 3 चाइल्ड्स, 3 सब ट्रीज हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तीनों सब ट्री के डिस्टेंसेस रख लूँगा। तो 0 से 1 की डिस्टेंस कितनी है, 2, 0 से 2 की डिस्टेंस कितनी है, 3, 2 प्लस 1 3। ठीक है, 0 से 4 की डिस्टेंस कितनी है, 3, 0 से 5 की डिस्टेंस कितनी है, 6, 0 से 3 की डिस्टेंस कितनी है, 3,
थ्री, ज़ीरो से सिक्स की डिस्टेंस कितनी है फोर, और ज़ीरो से सेवन की डिस्टेंस कितनी है थ्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट से नंबर भी लिख देता हूँ, ज़ीरो से ये वन की डिस्टेंस है, ज़ीरो से ये टू की डिस्टेंस है, ज़ीरो से ये फोर की डिस्टेंस है, ज़ीरो से ये फाइव की डिस्टेंस है, ज़ीरो से ये थ्री की डिस्टेंस है, ज़ीरो से ये सिक्स की डिस्टेंस है, और ज़ीरो से ये सेवन की डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने ये भी लिख दिया। अब मैंने तुमसे पूछा था कि बताओ ज़ीरो के लिए काउंट कितने होंगे, तो तुमने ये चीज़ें तीन साइड्स उसकी मतलब तीनों सब ट्री के ये लिख लिए। फिर तुम्हें पता है कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं से मतलब है जो मॉडुलस एस के इक्वल ज़ीरो दे दे। तो लेट सपोज एस हमारा तीन है, एस हमारा तीन है, तो तुम कहोगे ये हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, बाकी बचे हुए पेयर्स ही हमारे काम के हैं। बाकी बचे हुए पेयर्स क्या हुए? फिर तुम बोलोगे भाई एक टू फोर पेयर हो गया अगर तुम इसको लोगे, फिर बोलोगे एक टू फाइव पेयर हो गया। ठीक है, टू फोर टू फाइव, फिर तुम बोलोगे एक टू थ्री भी हो गया, फिर तुम बोलोगे एक टू सिक्स भी हो गया, फिर बोलोगे एक टू सिक्स नहीं होगा सॉरी टू सेवन भी हो गया। ठीक है, फिर तुम क्या बोलोगे? फिर तुम बोलोगे एक थ्री थ्री हो गया। ठीक है, ये वाला पेयर सॉरी फोर थ्री हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तुम बोलोगे फोर सिक्स तो होगा नहीं, फोर सेवन हो गया, फिर तुम बोलोगे एक फाइव थ्री हो गया, और फिर तुम बोलोगे एक फाइव सेवन हो गया। ठीक है, यही बोलोगे ना, क्योंकि टू से फोर का डिस्टेंस का सम कितना है? देखो टू से फोर, तो टू से ज़ीरो का सम है थ्री, और फोर से ज़ीरो का सम है थ्री, दोनों डिविजिबल हैं थ्री से। ठीक है, दोनों का सम डिविजिबल है थ्री से, और दोनों में कोई भी शेयर एज कॉमन नहीं है। तो देखो टोटल तीन तीन छः दो आठ आंसर आएगा, टोटल आठ आंसर हुए ना। ठीक है, तो तुमने ऐसे काउंट कर लिया अगर मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो के लिए पूछा था। अब अगर तुमने इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई होगी, तुमने भाई ज़ीरो के लिए कैलकुलेट किया है, तो तुमने क्या किया होगा, इसको कैलकुलेट करने में एन टाइम लगा होगा, लेट सपोज इसको भी एन लगा होगा, इसको भी एन लगा होगा, तो ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो तुमने ये चीज़ें एन में निकालनी, फिर तुमने पेयर्स निकाले कैसे होंगे, तुमने फिर पेयर्स कैसे निकाले होंगे, फिर तुम एक एक करके चेक कियोगे। लेट सपोज टू और थ्री एक साइड आया था, एक साइड क्या आया था थ्री और सिक्स, और एक साइड क्या आया था थ्री और फोर और थ्री। ठीक है, फिर तुमने देखा होगा कि टू डिविजिबल है थ्री से, नहीं, फिर तुमने थ्री डिविजिबल है थ्री से, हाँ, फिर तुम थ्री को इस थ्री से मैच किए, फिर तुम थ्री को इस सिक्स से मैच किए, फिर थ्री को तुम इस थ्री से मैच किए, फिर थ्री को इस फोर से मैच किए, फिर थ्री इसको थ्री से मैच किए। ठीक है, तो यही ये चीज़ यहाँ पे कितना टाइम ली होगी, एन स्क्वायर। तो हमें बस इस चीज़ को रिड्यूस करना है, समझे कि नहीं समझे? देखो फिर से मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने तुमसे पूछा था सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो के लिए तुम बताओ, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो के लिए बताओ, तो तुमने क्या किया भाई, तुमने देखा कि ज़ीरो के तीन चाइल्ड्स हैं, मीन्स तीन सब ट्रीज हैं, तुमने तीनों के लिए डिस्टेंसेस निकालनी, एक की यहाँ लिखी, दूसरे की यहाँ लिखी, तीसरे की यहाँ लिखी। ठीक है, फिर तुमने उसमें से वो वाले फिल्टर्स मार दिए जो कि ज़ीरो मीन थ्री से डिविजिबल नहीं थे, एक ये वाला फ़िल्टर मार दिया, एक ये वाला फ़िल्टर मार दिया। अब फिर तुमने क्या किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुमने फ़िल्टर भी मार दिया, एजेस भी निकाल ली, मीन्स डिस्टेंसेस भी निकाल लिया, अब बस तुम्हें इतना बताना है कि कितने काउंट है। तो लेकिन ये जो तुमने लिखा है ये तो एज दे रहा है, हमें एज से मतलब नहीं है कि कौन से पेयर्स हैं, हमें सिर्फ उनके काउंट से मतलब है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें पेयर से कोई मतलब नहीं है कि वो कौन से पेयर्स है, हमें सिर्फ उन पेयर्स के काउंट से मतलब है। तो क्या हमें इससे मतलब है कि फोर और सेवन एक पेयर है जो काउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फाइव और सेवन एक पेयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ काउंट से लेना देना है। तो काउंट देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, काउंट निकालने का एक सिंपल तरीका, इस पहले वाले सबट्रीज में कितने आए थे काउंट, एक, दूसरे वाले सबट्री में कितने आए थे काउंट, दो, तीसरे वाले सबट्री में कितने काउंट आए थे, दो। ठीक है, तो जब ये एक अकेला था तो ये इस दो के साथ भी पेयर बनाएगा, इस दो के साथ भी पेयर बनाएगा, तो टोटल ये कितने पेयर्स बनाएगा, चार। ठीक है, देखो टू फोर टू फाइव, टू फोर टू फाइव, फिर टू थ्री और टू से, टू थ्री और टू सेवन, देखो टू थ्री और टू सेवन। ठीक है, अब ये है थ्री, ये थ्री कितने पेयर्स बनाएगा, ये थ्री कितने पेयर्स बनाएगा, देखो ऊपर वाले के साथ तो बन गया है। ठीक है, अगर तुम ऊपर वाले के साथ भी काउंट करना चाह रहे हो, सपोज ये फोर मतलब थ्री के करस्पॉन्डिंग नोड क्या है, फोर, तो ये फोर इस टू के साथ बनाएगा, इस थ्री के साथ बनाएगा, इस सिक्स के साथ बनाएगा, खुद के साथ नहीं, इस सिक्स इसके साथ तो नहीं बनाएगा ना। तो देखो फोर के कितने आए हैं, एक फोर यहाँ प्रेजेंट है, एक एक यहाँ प्रेजेंट है, दो, और एक यहाँ प्रेजेंट है, तीन।
ठीक है, तीन, ये फाइव कितनों के साथ बनाएगा? एक ऊपर वाले के साथ बनाएगा टू, एक इस थ्री के साथ और एक इस सिक्स के, सॉरी इस सेवन के साथ। देखो फाइव के कितने हैं, एक दो और तीन, ठीक है। अब ये वाला थ्री कितनों के साथ बनाएगा? देखो इस फोर के साथ बनाएगा, इस फाइव के साथ बनाएगा और इस टू के साथ बनाएगा, तो तीन लोग के साथ बनाएगा थ्री। तो देखो एक दो तीन, ठीक है। अब मैं पूछूँ ये सेवन कितनों के साथ बनाएगा, तो सेवन इस फोर के साथ बनाएगा, फाइव के साथ बनाएगा और टू के साथ बनाएगा। तो देखो तीन बार आए होंगे, ये दो और तीन, कितना सम हुआ? थ्री थ्री सिक्स, थ्री नाइन, थ्री ट्वेल्व, सिक्सटीन, टोटल सिक्सटीन। तो क्या हमने इसमें दो बार पेयर्स काउंट किए ना? हाँ, तो सिक्सटीन को क्या करते ना, बस डिवाइड कर देना दो से, टोटल आठ। दो बार पेयर कैसे काउंट किए हैं? हमने क्या क्या काउंट किया? जब हमने इस टू के लिए काउंट किया तो हमने इस टू को फोर के साथ काउंट किया था, फिर हमने इस फोर के लिए फोर को टू के साथ भी काउंट किया, मीन्स हमने दो बार काउंट किए, इसलिए हमने बाई टू कर दिया है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, अगर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए हो, मैं इसको इरेज़ करता हूँ, ठीक है, इन सबको इरेज़ करता हूँ। और लेट सपोज मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो तुमने तीनों चाइल्ड, तीनों तरफ के क्या निकालनी है? काउंट्स निकालनी है कि कितने डिविजिबल हैं, मतलब कितने जीरो से वन का डिस्टेंस, जीरो से टू का डिस्टेंस, मीन सबका डिस्टेंस निकाल लिया अलग अलग सब ट्री का। तो ये आया टोटल, ठीक है, ये आया। फिर तुमने इसमें क्या कर दिया? फिल्टर मार दिया कि जितने ऐसे डिविजिबल नहीं है वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये वाला कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब बचे कितने? पहले वाले में बचे एक, दूसरे वाले में बचे दो और लास्ट वाले में बचे दो, ठीक है। अब तुम्हें इन्हीं में से पेयर बनाने हैं। तो तुम्हें पता है कि भाई ये एक अकेला इन दो के साथ भी पेयर बनाएगा, इन दो के साथ भी पेयर बनाएगा, तो थ्री टोटल कितने पेयर्स बने हेल्प करेगा? चार, ठीक है, ठीक है। ये कितने के साथ बनाएगा? ये वाला कितनों के साथ बनाएगा? इसके साथ बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, टोटल बनाएगा कितना? तीन के साथ। सेम ये भी कितनों के साथ बनाएगा? इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा, फिर ये भी बनाएगा, टोटल तीन के साथ, ठीक है। अगर मैं फिर से थोड़ी चीज़ें इरेज कर दूँ, ठीक है, फिर तुम देखो ये कितनों के साथ बनाएगा? ये इस वाले के साथ बनाएगा, इस वाले के साथ बनाएगा और इस वाले के साथ भी बनाएगा, तो ये टोटल तीन बार बनाएगा। ये वाले कितनों के साथ बनाएगा? ये सेम ये भी तीन वालों के साथ बनाएगा। मैं अब ये यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि इस थ्री ने इस थ्री के साथ क्यों नहीं बनाया, मतलब इसने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोनों एक ही सब ट्री के है ना। अगर एक ही सब ट्री बना लेंगे तो वो कॉमन एज शेयर कर लेंगे। तो जैसे इसमें क्या था, ये थ्री और ये सेवन आपस में क्यों नहीं बना सकते हैं, जबकि जीरो से थ्री का डिस्टेंस भी थ्री है और जीरो से सेवन का डिस्टेंस भी थ्री है, क्योंकि ये आपस में कॉमन एज शेयर कर रहे हैं, ये वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो इसका सम कितना हुआ? इसका सम हुआ थ्री थ्री सिक्स, थ्री नाइन, थ्री ट्वेल्व, सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई टू हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि हमने दो दो बार काउंट किया, एज सिंपल एज दैट, वो बहुत ही बेसिक सी मैथ है, ठीक है। तो हमने ये बता लिया कि जीरो के लिए कैसे काउंट आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बस इस मेथड को समझना है, मीन्स इसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, और वो फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे क्या था? फोर था ना, फोर था, वो काट दिया था मैंने। तो फॉर्मूला ये होगा, इसका सम कर लो, कितना आया? फाइव, फाइव आया, तो फाइव आया। अब फाइव माइनस वन कितना हुआ? इनटू वन कितना हुआ? फोर। तो देखो इसके लिए थ्री टोटल चार लोग के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, एक दो तीन और चार, ठीक है। अब फिर देखो अगर तुम्हें इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये देखना है, तो सिंपल क्या करो, फाइव माइनस टू इंटू टू कितना हुआ? तीन दो छः, टोटल इसके छः कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखो थ्री थ्री, ये तीन, ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, छः हो गए, ठीक है। और फिर अगर तुम्हें देखना है कि ये वाला मीन्स तीसरा सबट्री कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो फाइव माइनस टू इंटू टू कितना हुआ? छः, टोटल छः कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देखो एक दो तीन, फिर एक दो और तीन, छः, तो कितना हुआ? छः चार दस सोलह, सोलह डिवाइड बाई टू आठ, आठ हमारा आंसर है। तो हमने ऐसे ज़ीरो के लिए कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही हम वन के लिए कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही टू के लिए कैलकुलेट करेंगे, और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी एन स्क्वायर,
ठीक है, अभी तक एन क्यूब जा रही थी अगर हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था तो। अब हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया तो हमारी टाइम फॉर्म डिस्क्रिटी जा रही है एन स्क्वायर। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो इसको एक बार दोबारा देखना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतनी भी टफ नहीं है। ठीक है, मैं इसका कोड समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने सिंपल सा ग्राफ बनाया है, ये हमने एक डी पी आर ए ले लिया है, ये आंसर आ रहा है जो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, एक डी एफ एस चलाइए, मीन ज़ीरो के लिए डी एफ एस चलाई सपोज। ठीक है, तो ज़ीरो के लिए स्टार्टिंग में हमने क्या क्या पास किया है, ज़ीरो पास किया। ठीक है, ज़ीरो का कोई पेरेंट है नहीं है। एडजेसेंसी लिस्ट पास करी, एस मीन्स हमारा सिग्नल क्या था, ज़ीरो मीन्स अभी तक का सम क्या है, और डी पी मीन्स डी पी क्या रखेगा, डी पी रखेगा कि सपोज अगर ये एरे है ज़ीरो, ठीक है, ये है वन, ये है फोर और ये है थ्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ से पता होना चाहिए ना कि वन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वन का, फोर कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, टू का, थ्री कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, टू का, ये वाले, ये चीज़ कंट्रीब्यूशन हमें रखना पड़ेगा ना, हम बस यही चीज़ रखना चाह रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको, इस डी एफ एस को एक्सप्लेन करूँ तो मैं इस डी एफ एस को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ये डी एफ एस का काम क्या है। तो लेट सपोज ये है ज़ीरो, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, ये है फाइव, ये है सिक्स। ठीक है, तो मैं इसको ले देता हूँ वन, इसको देता हूँ टू, इसको देता हूँ थ्री, इसको देता हूँ फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स। ठीक है, तो और सिग्नल है हमारा थ्री। ठीक है, तो हम ज़ीरो से जब वन पे आए होंगे तो वन के आगे तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या ज़ीरो से वन पे आने में कितना टाइम, कितना सम हुआ, वन, तो वन क्या थ्री से डिविजिबल है, नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से टू पर आए, फिर टू से फोर पे आए तो सम कितना हो गया, सिक्स, तो सिक्स का थ्री से डिविजिबल है, हाँ, तो ये रिटर्न करेगा वन। ठीक है, तो ज़ीरो से टू पे आए, सम हुआ टू, टू से फाइव पे आए, सॉरी टू से थ्री पे आए, सम हुआ सेवन, क्या सेवन थ्री से डिविजिबल है, नहीं, तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो। फिर यहाँ से डी एफ एस कॉल वापस आएगी और ये रिटर्न करेगा वन। ठीक है, फिर सिक्स ज़ीरो से फाइव पे गए थ्री, फिर फाइव से सिक्स पे गए, कितना हुआ सम, नाइन, तो इसने क्या रिटर्न किया, वन। फिर फाइव ज़ीरो से फाइव पे आने का सम कितना था, तीन, तो ये भी एक सम है डिविजिबल बाई ज़ीरो, मतलब थ्री से डिविजिबल है, तो यहाँ से ये प्लस वन करके इसने रिटर्न किया टू। ठीक है, तो सिंपली ये चीज़ डी एफ एस कॉल क्या क्या रिटर्न करिए, डी एफ एस कॉल ये रिटर्न करिए कि कितने ऐसे नोड्स हैं जिनका सम एस से डिविजिबल है उस वाले एरिया में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल यही चीज़ करी है, डी एफ एस कॉल पास करी है और डी पी आर ए में हमने काउंट रखा है। तो लेट सपोज अगर हम हमारी करंट वाली नोड पे पहुँचे और वहाँ पे एस से वो डिस्टेंस डिविजिबल है तो हमने उस नोड पे डाल दिया वन। ठीक है, फिर हमने सेम काम चाइल्ड के लिए किया, अगर चाइल्ड पेरेंट नहीं है, इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। ठीक है, और फिर डी पी नोड प्लस इक्वल्स टू डी पी ऑफ चाइल्ड, सिंपल सा डी एफ एस है। इस डी एफ एस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये डी एफ एस आना चाहिए आप लोग को इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया मैंने, सबका सम ले लिया, ये सबका सम वाली टेक्निक, ये जो मैंने यहाँ पे बताई, कहाँ गया, ये सबका सम लिया था ना फाइव। ठीक है, सारे चाइल्ड्स का सम, क्योंकि सबके चाइल्ड में क्या इस टाइम स्टोर होगा, सबके चाइल्ड में यही स्टोर होगा कि कितने ऐसे नोड्स हैं जो एस से डिविजिबल हैं। फिर मैंने क्या किया, सम माइनस डी पी चाइल्ड इंटू डी पी चाइल्ड, ये सेम चीज़, ये देखो फाइव माइनस डी पी ऑफ चाइल्ड इंटू डी पी ऑफ चाइल्ड, और फिर उसको बाई टू कर दिया जो मैंने यहाँ पे किया देखो, और फिर मैंने डी पी को वापस ज़ीरो कर दिया। अगर ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ, सपोज छोटा सा बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा मैं, ज़ीरो से वन, ज़ीरो से टू, ज़ीरो से थ्री और टू से फोर। ठीक है, इसका डिस्टेंस है टू, इसका डिस्टेंस है फोर, इसका डिस्टेंस है सिक्स, इसका डिस्टेंस है फाइव। तो हमारा जब पहला कॉल डी एफ एस का रिटर्न होगा ना तो वो कुछ ये रिटर्न करेगा, दो तीन चार, ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सपोज। तो ज़ीरो से ज़ीरो की डिस्टेंस है ज़ीरो, ज़ीरो से वन की डिस्टेंस में है टू, अगर सिग्नल को मैं मान लेता हूँ टू, तो ज़ीरो से वन की डिस्टेंस है टू और टू क्या डिविजिबल है टू से, हाँ, तो यहाँ पे आएगा वन। ज़ीरो से टू की डिस्टेंस है फोर और क्या फोर डिविजिबल है टू से, हाँ, तो यहाँ पे आएगा वन।
लेकिन टू से बाद कॉल कहाँ जाएगी, फोर पे। तो जीरो से फोर की डिस्टेंस है नाइन, और क्या नाइन डिविजिबल है टू से? नहीं। तो इस पे यहाँ पे जीरो, जीरो से टू की डिस्टेंस फोर, और फोर क्या डिविजिबल है टू से? हाँ। तो यहाँ पे वन, जीरो से थ्री की डिस्टेंस सिक्स, और क्या सिक्स डिविजिबल है टू से? हाँ। तो यहाँ पे वन, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एक और नंबर होता सेवन, और यहाँ की डिस्टेंस होती टू, तो जीरो से सेवन की डिस्टेंस कितनी है? एट। एट क्या डिविजिबल है टू से? हाँ। तो यहाँ पे होता वन, ठीक है। फिर ये चीज़ क्या रिटर्न करता है? इसको वन रिटर्न करता। तो जीरो से थ्री की डिस्टेंस ऑलरेडी सिक्स है, तो वो भी डिविजिबल है, और थ्री से सेवन की डिस्टेंस टू है, वो भी डिविजिबल है। तो थ्री के पास वन ना होके टू होता, तो मीन्स सारी डीएफएस कॉल अपने से नीचे के काउंट से स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता, ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। फिर यहाँ पे हम सम लिखते हैं, हमारा सम कितना आता? हमारा सम आता टू थ्री, सॉरी टू थ्री फोर फाइव, सम आता फाइव, ठीक है। सम आता हमारा टोटल फाइव, सॉरी फाइव ना आता, क्योंकि हम सिर्फ चाइल्ड का रखते हैं ना, जीरो से वन का, जीरो से टू का, और जीरो से थ्री का। तो जीरो से वन टू थ्री टोटल सम आता हमारा चार, टोटल सम हमारा आता फोर। तो फोर माइनस वन का सम कितना है? वन इंटू वन, टोटल तीन। देखो तो तीन बन रहे होंगे, अगर तुम वन से बनाओगे तो टोटल तीन बनेंगे। क्या बनेंगे? वन से टू, वन से थ्री, और वन से सेवन थ्रू ज़ीरो। देखो बन रहे हैं ना, वन से टू, वन से थ्री, और वन से सेवन बन रहे हैं ना। तो फिर अगर तुम टू के लिए निकालना चाह रहे हो तो सिंपल क्या करना है, फोर माइनस वन इंटू वन क्या हुआ? थ्री। फिर देखो थ्री बन रहे होंगे, टू से वन, टू से थ्री, और टू से सेवन, ठीक है। ऐसे ही ये चीज़ हो रही है, और लास्ट में हमने डीपीआई को ज़ीरो भेज दिया, ठीक है।